देखिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या करेंगे यहाँ से 16 इंटू कितना कर लें, 10, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, क्लियर? 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 5 की वैल्यू, देखिए यहाँ करेंगे तो 5 की 0 प्लस के 5 की 1 आ जाएगा ना, और यहाँ मल्टीप्लाई जो करेंगे, छोटी सी चीज को समझना बस, अब 2 की वैल्यू 0 से हम लोग कहां तक जाएंगे ध्यान रखिएगा, 2 की 1, 2 की 2, 2 प्लस 2 की 3 प्लस 2 की 4 प्लस 2 की 5। देखो ये एक बेसिकली कंसेप्ट है कि अगर 2 की वैल्यू 5 करेंगे तो कितना 32 आ जाएगा, कुछ और आएगा 32। इसे हमने कैसे सीखा देख लीजिएगा, हम समझ सकते हैं कि 16 के फैक्टर हमने कितने करे, यहां से यहां तक कितने करे, 2 की 4 किए, तो जहां 4 फैक्टर है वहां कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा आराम से। इसको ऐसे भी सीख सकते हैं ध्यान रखिएगा, नहीं तो 2 की 5 कितना होता है 32, 2 की 4 कितना होता है 16, 2 की 3 कितना होता है 8, 2 की 2 कितना होता है 4, और 2 की 2 1 कितना 2, और इस कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 5 की 1 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डायरेक्टली कर लेते हैं भाई, 32 और 16 कितना 48, 48 कितना होता है 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, और 60 और, क्लियर है? तो क्या ज्ञात किया हमने कि 63 की मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से, इसकी मल्टीप्लाई करने में कोई किसी को डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत हो नहीं, क्लियर है ना? अगला पॉइंट लिखें यहाँ से डाल के, ओड का सम फाइंड करते हैं, लिखें सम ऑफ ओड नंबर। हाँ बोलिए बेटा, 5 पे क्या बेटा 1 है ना, तो 5 जीरो से 1 तक जाएंगे। यहाँ पे बाबर के 5 पे 1 है, तो हाँ 1 ही लिखे हैं। अच्छा बोलिएगा, नहीं तो ये तो मल्टीप्लाई में बैठा है, ये तो प्लस में बैठा है बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं बारों में, बात सुनिएगा, जो लास्ट इसके अगर हम लोग फैक्टर करें वैसे करके, तो देखिए 1 कितना आएगा बेटा, फिर कितना आएगा, फिर देन फिर देन, अब बोलो ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमने क्या सीख पा रहे हैं कि कभी हम लोग फैक्टर में निकालते हुए इस तरीकों में, इस कंसेप्ट पे 1 को और लास्ट वाले को काउंटिंग नहीं करते, क्लियर है ना? और उसको काउंटिंग नहीं करते, उसको काउंटिंग तो कहीं करना है, क्योंकि मैं योग ऐसा पूछ रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं बस। ये जीरो से नीचे कोई वैल्यू थोड़ी होता है, तो जीरो से ही स्टार्ट करना है बस, इतना सीखना है बस, कहां तक करना है जहां तक उसकी पावर होगा, इतना करना है कुछ। तो हमने कुछ सीखा, क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक। चलिए हम बात करते हैं ओड की, ध्यान रखिएगा ओड पे क्या करना है, आप लोग देख लीजिएगा, कोई नंबर लेते हैं उसका भी ओड ज्ञात कर लेते हैं पहले। देखिए कोई नंबर दिया मैंने आपको, मान लेते हैं 80 दिया, क्लियर है? 80 के बिल्कुल सेम प्रोसीजर, मैंने कहा ना एक ही बे होगा, चाहे हम इसकी नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहे हैं या सम ऑफ डिजिट पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा सेम आंसर आएंगे, ध्यान रखिएगा काम वही करना जो हम लोग पहले स्टार्ट किए थे। क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे ना बेटा, फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा 8 इंटू 8 के फैक्टर कितने होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, समझते हैं यहां तक, क्लियर है? अब सोचिएगा यहां पावर कितना हुआ 2 की 4 इंटू 5 की, हमसे पूछा क्या गया, ऑल नंबर का सम पूछा है या ओड का पूछा है ओनली? अगर हम इस 80 के फैक्टर करें वैसे ही तरीके से जैसे हमने वहां कर रहे थे, तो क्या होगा बेटा 1 से डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर किससे होगा 2 से, फिर किससे 4 से, 5 से और 6 से, नहीं सॉरी 8 से, देन 10 से और देन 20, 40 और कितना हो जाएगा बेटा बताए ना, 80 तो होगा ही अपना। तो यहां से अगर हम लोग आपसे पूछ रहे हैं ओनली विषम, यानी ओल्ड का ही डिजिट का यो सम पूछ रहे हैं हम लोग, तो अगर हम तुमसे सभी डिजिट का सम पूछ रहे हो तो अभी तुम निकाल लेते ना, अभी बताए थे जस्ट 2 सेकंड पहले, अब हमने ये निकालना सिखा दिया है, हम किसकी बात कर रहे हैं ओनली विषम ओड की बात कर रहे हैं। तो एक बात सोचिएगा, कुछ एक्सेप्टेशन नहीं करना, अगर हम लोग सम सभी का निकाल रहे होते हम लोग क्या करते हैं पता है क्या,
टू की जीरो प्लस टू की वन और टू की टू प्लस की टू की थ्री प्लस टू की फोर। मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग इसकी, फाइव की जीरो प्लस फाइव की वन। समझते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता अगर हमसे ऑल सभी का हमसे सम पूछ रहा होता। बट हमने किससे पूछा है, विषम का। क्लियर है, हम लोग अगर विषम का पूछ रहे होते तो अब सोचिए यहां से अगर पहले यहां जोड़ लेते हैं विषम कौन कौन से इसके फैक्टर हैं, वन और फाइव, इन दोनों का ऐड क्या होगा, सिक्स होगा। क्लियर है, अब यहां से सिक्स कैसे लाएं, दिक्कत ये है। अब क्या करेंगे, इस पे थोड़ा सा माइंड अप करना है आपको, कुछ नहीं करना। अगर वो विषम पे काम कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा ये वाली वैल्यू को कभी भी काउंटिंग नहीं करेंगे, जो जिसका बेस सम है, जिसका बेस सम है इसे कभी भी काउंटिंग नहीं करेंगे। जैसे पहले वहां कर रहे थे हम लोग ना, सेम एज प्रोसीजर यहां काम करेंगे, कभी भी विषम पे ओड को काउंटिंग नहीं करेंगे। अब सोचो ओड सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है बेटा, यही तो बचा है। वो फाइव की वन कितना होता है, फाइव होता है, और फाइव की जीरो कितना होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, सिक्स। आंसर आ गया आपका, क्या करना था, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार फिर रिवाइज करते हैं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, नई चीजें देख के डर लगता है। देखिए फिर हम लोग बात करते हैं, कोई नंबर लेते हैं जहां से मन करे, हमने 60 नंबर लिया मान लेते हैं। आप समझते हैं 60 के फैक्टर क्या होते हैं, आप लोग समझते हैं कितना होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन ट्वेल्व फिफ्टीन और कितना 20 30 10 60, यही तो होगा ना। इसमें सम कौन कौन सा, विषम कौन सा बैठा है, 1 3 5 और 50, इनका ऐड करना आराम से निकाल सकते हो। एक इसे ऐड करने के लिए पहले उसके डिजिट निकालना पड़ेगा कितने से भाग होता है, बट हम क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर बेटा कितना होगा, 6 into 10, ठीक है ना। अब सोचो इसके भी फैक्टर करेंगे कितना जाएगा बेटा, 2 into 3 into 2 into 5, यही होगा ना। पावर क्या बनी, 2 की 2 बची, इंटू कितना 3 की 1 इंटू 5 की 1, यही तो आया, बताइएगा, बोलो यही आएगा नहीं आएगा। मैंने कहा जिसका बेस इवन होगा ओड निकालने के लिए उसे कभी भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट किसे करना, 3 को और 5 को, और 3 की वैल्यू कितना ध्यान रखिएगा, 1 है, तो कहां करेंगे 3 की 0 प्लस के 3 की 1 इंटू 5 की 0 प्लस के 5 की 1। अब क्या करेंगे, अब समझ सकते हैं 3 की 1 कितना हो जाएगा बेटा, 1 4 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 6। योर आंसर इज 20, ऐड कर लीजिएगा, सेम आंसर होगा 24 ही है, थोड़ा सा डंडा ऊपर रह गया है, ठीक है। क्लियर है, किसी को बताइएगा, अब बताएं, किसी को डाउट आ रहा है, एक कंसेप्ट और बचा है उसे खत्म होने में, टॉपिक की कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, पहले समझ लीजिएगा प्यार से, कोई दिक्कत तो नहीं ना, निकालोगे ना पक्का, ठीक है। ट्राई करते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको, चलिए बताइएगा 120 में कितना ओड फैक्टर का सम है, ओड में ओड ही निकालना है, विषम ही निकालना, सेम एज प्रोसीजर, 120 कितना बेटा, 24 ही आएगा, हो सकता है आ जाए, समझ में आ रहा है। आपने ये पैटर्न को सीखा, उसको फॉलो किया, कितना मजा आया। वही चीजें होती हैं जब आपको समझ में आ जाए तो बड़ी आंतरिक शांति मिलती है, घर जाकर बताते दोस्त से यार आज तो एक मजा आ गया कंसेप्ट में, उसी को आंतरिक शांति कहते हैं, क्योंकि बाहरी शांति दुनिया लेती रहती है, आंतरिक शांति आना बहुत ही जरूरी चीज है। चलिए क्लियर है ना, किसी को इवन पे वो काम कर लेते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। फिर आपका हम एक टेस्ट लेंगे 5 मिनट का, प्रत्येक बच्चे को बोर्ड पे बुला के देखिएगा, आ जाओगे ना बोर्ड पे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना, ये जब तक डरोगे और डर लगेगा, ध्यान रखिएगा, उसको भगा लीजिएगा, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिएगा बस। क्योंकि आप समझते हैं कि आईएएस बनने के बाद भी दुखों में रहोगे तुम। एक इसका फ्लो भी आपको बता दूंगा कि यूपीएससी डीएम बनने के बाद भी क्यों दुखी होता है, चॉइस का कैडर नहीं मिलता, इच्छा उत्तर प्रदेश की पहुंचा दिया उड़ीसा, ऐसा ही होता है ना। मन था कि आईएएस बनना है, मिल गया आईपीएस, कहीं ना कहीं आदमी दुखी है जाके, जितना तुम आगे बढ़ोगे दुख बढ़ जाएगा, इतना देखना
मैं चार्ट दूंगा आपको भी, है ना, क्या लिखे थे हम लोग, ओड की इवन की बात करते हैं ना, देखिए ओड हो जाएगा ना सम सबका, इवन की बात करते हैं। इवन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों बहुत आराम से, कोई दिक्कत का विषय नहीं है इसके साथ। मैंने कोई नंबर दिया आपको, जो मन करा लिख दीजिएगा, क्योंकि नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 1000, 2000, 4000 तक भी। तो क्या दें बताओ, इच्छा अपनी भी रखिएगा कि हमारी इच्छा से काम नहीं चलेगा ना। 70 लीजिए, 70 की फैक्टर आप समझ सकते हैं क्या होगा, क्या लिखें, 7 × 7 और 10 कितना जाएगा बेटा, 2 × 1 और 5 × 1, ठीक है ना, यही तो होगा ना 70 की फैक्टर। अब हम लोग इसको, हालांकि कहा जाए तो इसको हम लोग ऑर्डर में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा फिर बड़ा आएगा, इज राइट। तो पहले क्या जाएगा, 2 × 1 इंटू कितना जाएगा, 5 × 1 × 7 × 1 आ जाएगा। सोचो अगर मैं आपसे सभी जितने भी फैक्टर थे उनका सभी का सम पूछ रहा होता, निकाल लेते ना। अगर मैं आपसे विषम का पूछूंगा ओड का, तो आप तब भी निकालोगे ना, बताया था मैंने। लेकिन अगर मैं सम का पूछ रहा हूं तो अगर थोड़ा सा हिंट्स आपको मिल जाए तो उसको भी निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, पहले बात करते हैं। जिनका बेस विषम है यानी ओड है, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं वैसे ही करेंगे। पहले क्या करते आए थे, अगर इनका बेस विषम है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप समझाएंगे, 5 की वैल्यू 0 + 5 की 1, यही है ना, कोई दिक्कत हो नहीं किसी को। इनटू अगर यहां भी वही काम करेंगे, 7 की 0 + 7 की 1, इनका बेस क्या है ध्यान रखिएगा, ओड है, उस पर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन जिसका बेस यहां पे अगर सम है ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग विषम पूछ रहे तो यहां इसे काउंटिंग नहीं करतेंगे, और जहां हम लोग सभी पूछेंगे तो सबको काउंटिंग करना पड़ता था। अब हम लोग सम में पूछ रहे तो जिनका बेस सम होगा उसमें क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना बस। अगर यहां इसको हम लोग सभी के आधार पर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 की वैल्यू 0 + 2 की 1, यही आएगा जब अगर हम लोग सम सभी करेंगे। अगर हम लोग विषम करेंगे तो इसको काउंटिंग नहीं, और यदि हम लोग सम कर रहे हैं तो दोस्तों बस ध्यान रखना कि जो वैल्यू सम होगी उसका जो ये वाला काउंटिंग है 1, ये 0 वाली वैल्यू, इसे काउंटिंग कभी भी नहीं करना है, ओनली इसे आगे काउंटिंग करना। जिसे लिख भी लिया करो, जब आप लोग पढ़ाई करा करो कहीं भी ध्यान रखिएगा, तो एक पेपर को ऐसे बना दिया करो, इधर लिखना है इधर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिंक करके हटके कहीं आते हैं उसको यहां काउंटिंग कर लिया करो। अब देखिएगा यहां 2 की 1 कितना होता है बेटा, 2 होता है, 2 की वैल्यू 1 है ना, तो 0 से 1 चले गए तो 0 को कभी काउंटिंग करना ही नहीं है, तो यहां 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 की 1 कितना होता है, 2 ही होता है, इनटू यहां कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू 1 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे जाएंगे कितना हो जाएगा, 7 की वैल्यू 1 7 और 0 कितना, 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं, क्या रहा है आपका, 96 आंसर हो जाएगा। फिर एक ट्राई करते हैं, कोई दिक्कत का विषय नहीं दोस्तों। मैंने कोई नंबर लिया, देखना अगर आराम से समझिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैंने कोई नंबर लिया 40 लिया, छोटा नंबर है इसलिए ले रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। 40 के क्या होते हैं फैक्टर बताएंगे बेटा आप लोग, 2 × 2 × 2 × 5, कैसे किया देख लो आप लोग, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 × 5 = 40। अब सोचो, देखो आराम से निकालना है, इसको समझना पहले आराम से, वैल्यू कितना हो गया बेटा, 2 की 3 इंटू 5 की 1। मुझे किससे पूछा गया, सम पूछा गया, इवन पूछा गया, तो मैंने क्या कहा था कि जहां 2 की वैल्यू 0 होगी उसे काउंटिंग नहीं करना, क्योंकि बेस यहां इवन है, इसलिए तो हम लोग काउंटिंग कहां से करेंगे, इसे 1 से। सेम प्रोसेस जहां पहले करते थे, तो कितना जाएगा, 2 की 1 2 की 2 + 2 की 3 इंटू 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 + 5 की 1। तो सोचिएगा 2 की 3 कितना होता है बेटा, 8 होता है, और 2 की 2 कितना होता है, 4 होता है, और 2 की 1 कितना होता है, 2 होता है, तो यहां कितना आया, 8 और 4 कितना, 12, और 12 × 2 कितना होता है, 14, क्लियर है। और इनटू 5 की वैल्यू 1 और ये कितना जाएगा, 6, और 14 × 8 = 6 है, कितना होता है, 84। अब बताओ, किसी से समझ में नहीं आया, सारी चीजें हम लोग क्लियर कर चुके हैं, कोई दिक्कत है यहां से इसके फैक्टर में डिफाइन करने में, फैक्टर को सम करने में, फैक्टर की नंबर डिजिट काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
निकालें क्वेश्चन आप, फिर हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। देखिएगा सब लोग निकालोगे ना, डन है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोग निकालिएगा 180 का, 180 का आउट जितने भी, सॉरी इवन के जितने भी फैक्टर हैं उनका सम निकालना है। सभी सम का, फैक्टर का सम निकालना है। आ गया? नहीं नहीं ओनली ऑड, इवन पे, इवन पे। बहुत प्यार से, थोड़ा सा टाइम लगेगा गुणा भाग करने में, बट उससे तो अच्छा है कि जहां पहले फैक्टर निकालें। वन फाइव सिक्स, क्लियर है? चलिए मेरे साथ आए आप लोग दोस्तों, कैसे लिखेंगे हम लोग? कह सकते हैं यहां से 18 इंटू 10 कर लें, ठीक है ना? 18 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? कर लें 2 × 3 × 3, ये हो 18 का फैक्टर ना। और 10 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 × 5। बोलिए यही होगा फैक्टर, नहीं होगा? अब सोचिए मैंने क्या कहा था कि इनको फैक्टर को पावर पे कन्वर्ट कर लेंगे, पावर कितने देंगे? 2 की कितना हो जाएगा? 2, और 3 की 2 × 5 की 1। मैंने कहा जिसका बेस अगर इवन है तो वहां कहां से कहां स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे, और जब 1 से स्टार्ट करेंगे 2 की कितना हो जाएगा? 1 प्लस के 2 की 2, यही होगा ना? इसमें तो मल्टीप्लाई, यहां तो ऑड है तो यहां तो पूरा ही पहले की तरह करना है, तो कितना हो जाएगा? 3 की 0, 3 की 1 प्लस 3 की 2, देन 5 की करेंगे, 5 की 0 प्लस 5 की, कोई क्लियर डाउट तो नहीं किसी को? अब देखो 2 की 2 कितना होता है? 4, 2 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3 की 2 कितना हो जाएगा बेटा? 9, 9 3 12, 12 1 कितना? 13, देन 5 की वैल्यू 1 कितना होता है? 6, क्लियर? आराम से कर सकते हो, 415 आ रहा है, 468, क्लियर है? अब मल्टीप्लाई तो आराम से कर ही सकते हो ना, 6 × 36 इंटू कितना? 13, निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं किसी? चलें, अब बताइए किसको डिफरेंट आ रहा था वो देख लीजिए, कहाँ कमी थी हमारी निकालने की। चलिएगा आप आ जाओ बोर्ड पे दोस्त, आप लोग निकालिएगा, लीजिए मार्कर, आप निकालिएगा 200 का सभी फैक्टर कितना होगा? 200 फैक्टरों की संख्या ज्ञात करना है ना कि सम ज्ञात करना है, ओनली फैक्टर। सभी में आप समझते हैं क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे ना? हाँ बिल्कुल करिए बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई लिखेंगे, लिखिएगा, वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? दिक्कत डर पता नहीं करना है, निकालो, आप आओ बेटा, निकाल दीजिएगा, आप बोर्ड पे आना है आपको। हाँ जी, डर पैदा नहीं करना है, अंदर ध्यान रखिएगा, जब डर लगने लगे समझ लो तुम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हो। आप निकालिएगा 80 का इवन फैक्टर, 80 ना, 80 80 इवन, हाँ बेटा बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, 8 आ रहा है सबका, ऑल ओवर गुड, वेरी गुड।
कोई डाउट तो नहीं देखे, क्लियर हो गया पूरा। अब चाहे इनका हम लोग सम पूछें, चाहे इनका नंबर डिजिट पूछें, आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपके सामने नहीं होगी। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। और कोई डाउट तो बोलिएगा कि हाँ, हम नंबरिंग का कैसे, हम लोग डिजिट निकालते हैं, उनका सम कैसे फाइंड कर लेते हैं, इसके अलावा कभी भी आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अब एक बात सोचिएगा, हम तुमसे ये पूछना स्टार्ट कर लें कि सुन लीजिएगा, ये लिखा मैंने यहाँ से एट, कि एट में कितने इवन मल्टीपल हैं या इसके फैक्टर हैं, तो आप समझ सकते हैं लॉजिकल कंसेप्ट लगाएंगे तो एट क्या है, एक इवन नंबर, और इवन नंबर के जब फैक्टर कर लेते हैं तो उसके इवन नंबर के फैक्टर कितने आएंगे, इवन में ही ज़्यादातर आते हैं, ओड में कम आते हैं। तो आप सोचिएगा यहाँ से, लेकिन ये अगर इसको वैसे तोड़ें तो कितना होगा, एक से डिवाइड होगा, ये टू से होगा, और फोर से, और किसका एट, तो इसका इवन सिर्फ कितना, ओड कितना बचा, ओनली वन बचा। तो मैंने क्या सीखा कि यदि इफ आ गिवन टू प्राइम नंबर, अगर आपको कहीं प्राइम नंबर दिया है, ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर किसे कहते हैं, आपको मैंने कल बताया था कि जो सिर्फ अपने आप से कटे, किसी के बाप से ना कटे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 19, तो 19 अपने आप से कटे, किसी बाप से नहीं कटेगा, एक तो सबसे काट ही देता है, एक तो ऐसा इंसान है। तो यहां से अगर हम तुमसे पूछें कि एक के कितने फैक्टर हो सकते हैं, उसके दो ही फैक्टर होंगे, वन और इफ आर गिवन टू प्राइम नंबर। अगर आपको कोई और अदर प्राइम नंबर 37 है, तो इसके भी कितने फैक्टर होंगे, वन और 37। अब सोचो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इन्हीं का एड सम पूछ रहा हूँ, तो इनका सम भी कितना होगा, आप कर सकते हैं नाम से कितना 20 हो जाएगा, भाई दो ही फैक्टर है, उनका सम भी कितना होगा, वही होगा। अब ऐसे ही इनका सम पूछना स्टार्ट करें कि इनके फैक्टर 2 ही होंगे, तो कितना सा हो जाएगा। तो इसमें क्या सीखने को मिल रहा है कि यार प्राइम नंबर का ओनली एक ज्यादा ही क्या होता है, सम होता है। कुछ मिल रहा है देखने, जैसे हम लोग कोई और नंबर देते हैं, ध्यान रखिएगा मैंने बोला यहाँ से जो जिससे ना कटे 47 है, तो 47 के दो ही फैक्टर होंगे, या तो वन होगा या क्या होगा 47। अब इनका मैं सम पूछ रहा हूँ तो इनका कितना हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, तो मैथ को ऐसे के कंसेप्ट को रेडी करेंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू पे, अब नंबर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे, अभी आगे चलेंगे एवरेज को लेके, टाइम वर्क को लेके, पूरे ही टॉपिक जो लिखाए थे पूरा ही हमको पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे पढ़ लोगे तो मुझे लगता है कि घर जाके पढ़ने की गुंजाइश आपके पास नहीं होगी। उस टाइमिंग को आप लोग जीएस पे कन्वर्ट कर सकते हो, जो डर था कि सीसेट में घर जाके 2 घंटे लगाने रोज के, उस टाइमिंग को करंट पे डिले कर लो, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलें तो थोड़ी सी बात करते हैं, आते हैं लिखें लॉजिकल रीजनिंग की, थोड़ा बात कर लें, रीजनिंग कैसे कवर करेंगे, नहीं करें रीजनिंग पे ना, आते देखिए पहले ये बताइए लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक कितने होता है, पता है आपको किस सेट में रीजनिंग में, हमने कल मैथ के टॉपिक आपको बताए थे, ऐसे ही हम लोग बताएं कि लॉजिकल रीजनिंग में कितने टॉपिक होता है। और मैंने कल लिखाया भी था कि इसमें 8-10 क्वेश्चन लगभग इससे आ जाते हैं, लिखाए थे, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा जो मेंटल एबिलिटी होती है वो भी क्या है, एक रीजनिंग, जो जनरल मेंटल एबिलिटी होता है, ध्यान रखिए वो भी क्या होता है, एक रीजनिंग ही होता है। तो अगर हम बात करें कि लॉजिकल रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, और जनरल जीएमए जिसको कहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, इससे भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक रहा एनालिटिकल एबिलिटी, उससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये रीजनिंग का ही अकेला पोर्शन है, ये भी 20 से 25 क्वेश्चन लेके खड़ा होता है, लेकिन मिला के किससे, जीएमए को मिलाकर और एनालिटिकल को मिलाकर और लॉजिकल को मिलाकर। लेकिन कुछ क्वेश्चनों में क्या होगा, लिखा होगा रीजनिंग 2 प्रकार की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल, ध्यान रखिएगा। तो वहां से चीजों को अगर समझे तो हम लोग एक बार सिलेबस को अपडेट कर लेते हैं। तो लिखें सिलेबस, पहला टॉपिक आता है इसमें सीरीज का, सीरीज समझते हैं उस श्रेणी जिसको लगातार मैंने कल बताया भी होगा, 2, 4, 6 आगे क्या आएगा। नंबर 2 क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा इसमें सिंपलीफिकेशन का, जैसे कि आपको मैं एक जैसे क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन आता है, देखिएगा मैं लिख दूं यहां से आगरा और भोपाल, नहीं भोपाल नहीं डाल रहे हैं, ये भोपाल डाल देते हैं, या फिर डाल देते हैं यहां से लखनऊ, और यहां से ध्यान रखिएगा गाजियाबाद। अब तुमसे पूछेगा कि इसमें विषम पद कौन सा है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है, तो इसके मायने कई सारे रास्ते निकल जाते हैं, या तो वो स्टेट पे काम कर लेगा या डे पे काम कर लेकर, हम तुमसे बोलें कि जनवरी, जनवरी बोल लेते हैं, और बोल लेते हैं ध्यान रखिएगा यहाँ से दिसंबर, और यहाँ से जनवरी बोल दिया, दिसंबर बोल दिया, जुलाई बोल दिया है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ डाल दिए हैं फरवरी, तो डिफरेंट क्या है आप समझ सकते हो, क्योंकि वो 31 है, वो
अलग होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड लेसन पजल सबसे उस पॉइंट ध्यान रखिएगा, दो तीन क्वेश्चन आते ही हैं कि ग्रुप में इतना लोग है ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट बनता है पजल का रीजनिंग में। देन सिटिंग अरेंजमेंट ठीक है, फिगर काउंटिंग सब उतार लीजिएगा इसको, फिगर काउंटिंग जैसे चित्रों को पहचानना कि इसमें कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं, कितना ध्यान रखिए ट्रायंगल है ऐसे पूछता है। आगे चलेंगे डायरेक्शन, ठीक है, और सिलोजिज्म जिसको स्टेटमेंट कंक्लूजन कहते हैं, सम कैट्स आर रेट ऐसे बोलता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं ध्यान रखिएगा, वो तो क्वेश्चन सीसेट के आना ही आना है ध्यान रखिए, उसको रटना ही पड़ेगा, वो तो कंपल्सरी बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और कहां से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं जी देखना। यहां स्टेटमेंट आता है, कंक्लूजन आता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं ऐसे करके बोलेगा कि ऑल कैट डॉग, उसमें फिर आएगा स्टेटमेंट कि ऐसा क्या करते हैं ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। मिरर या इमेज ठीक है, कैलेंडर क्लॉक, मिसिंग नंबर और जो इमेज है ना, यहां से क्वेश्चन देखना, तीन चार क्वेश्चन लगातार होते ही ध्यान रखिएगा, कभी कभी इमेज देके आपसे आगे बोलेगा कि इसके नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, सारे 11 से लेकर 17 तक के पेपर में इमेज का क्वेश्चन तो रखा ही रखा होता है, दो दिन क्वेश्चन देखना जाके, ठीक है। और लास्ट में मिसलेनियस ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं विविध, जैसे कि छोटी मोटी चीजें कि दो का मल्टीपल पूछ लेता है, स्क्वायर वगैरह, तो ज्यादा सिलेबस इसका कुछ है नहीं, बट चीजों को एनालाइज करना है। चले स्टार्ट करें, तो टाइमिंग क्या हुआ है अभी, थोड़ा सा एक टॉपिक जो खत्म हो जाए उसको उठा लेते हैं। देखिएगा इस टॉपिक की बात कर लेते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इसका। लिखिए इमेज प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब, तो अगर स्टेप बाय स्टेप सबको पूरा कर लेंगे तो आप समझ सकते हैं रीजनिंग का थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा आपको कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, और यही नहीं पता है कि हाँ कैसे हमें करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो फिर जाके तो वही वाली कहानी है कि लठ मारना है एग्जाम में जाके, जैसे तुक्का मारना कहते हैं। देखिए इमेज को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब किसका बने, किसी आकृति का बनेगा, आकृति उसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फोटो भी हो सकता है, चाहे वो चित्र भी हो सकता है, चाहे वो कोई नंबर भी हो सकता है, चाहे वो ध्यान अक्षर लेटर भी हो सकता है। तो मैं कह सकते हैं ध्यान रखिएगा कि जो इमेज होता है एक आकृति का ही कोई ना कोई आकृति का प्रतिबिंब बनता है, और आकृति उस रूप में चाहे कुछ भी हो सकती है, चाहे वो एक मैन भी हो सकता है, चाहे वो नंबर भी हो सकता है ध्यान रखिए, चाहे वो डिजिट भी हो सकता, लेटर भी हो सकता है। लेकिन अब इसको समझेंगे कि यहां से जब भी क्वेश्चन आया है तो इमेज जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक वाटर इमेज और एक मिरर इमेज, जिसको कह सकते हैं एक दर्पण प्रतिबिंब और एक जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, देखिएगा इसको टॉपिक को खींचने के लिए टॉपिक को बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन एक बात समझना कि इस टॉपिक को कैसे हम लोग असेंबल करेंगे, चीजों को कैसे बड़े को छोटा किया जाए, इस चीज सीखना है आपके पास। ये तो पता है कि भारत कैसा देश है, जब लिखाएंगे तुमसे हम लोग 100 वर्ड, तो वहां पे सोचोगे कि यार अच्छा तो है लेकिन अच्छा कहां से स्टार्ट करें इसको, तो उन वर्डों को फिर आप लोग कम शब्दों में लिखने के लिए आपके पास चुनौती बन जाएगी कहां से स्टार्ट करें, कि भारत को मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं तो इसलिए अच्छा है, तो अब इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, ये दिक्कत है आपके साथ। तो यही चीजें हम लोग समझेंगे कि चीजों कैसे, बड़ी चीजों को कैसे छोटा किया जाए। तो पहला पॉइंट एक साथ हम लोग पढ़ लेते हैं कि वाटर में और मिरर में क्या अंतर होता है, ये रहा वाटर और ये रहा मिरर, बस एक पॉइंट को समझना टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको, टाइमिंग बहुत कम लगेगा, घर आपको पढ़ना ही नहीं है ध्यान रखिए सीसेट को बिल्कुल भी,
किसी भी आकृति की चार साइड होती हैं। मैंने आपको कोई लेटर लिखा, मान लेते हैं यहां से एल लिखा या एच लिखा, जो भी हम लोग लिख पा रहे हैं यहां से, तो इस एच की चार साइड हैं, एक अप है और एक डाउन है, एक लेफ्ट है और एक राइट है। क्लियर है? और इन चार साइडों पर ही पूरा इमेज खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें इसमें करना क्या है, यह चीज विशेष ध्यान रखना कि जब वाटर इमेज होता है, किसी भी आकृति की चार साइड होती हैं, एक अप और एक डाउन, एक लेफ्ट और एक राइट। बस जीवन में याद रखना कि जब भी वाटर इमेज आएगा तो उसके अप और डाउन आपस में चेंज होंगे और लेफ्ट और राइट ध्यान रखिएगा नो चेंज होंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब हम लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, तो हमारा चित्र उल्टा बनता है। देखा आप लोगों ने, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने अक्सर, ध्यान रखिएगा। तो बस इसका विशेष ध्यान रखना कि जब भी हम लोग वाटर इमेज निकालेंगे तो क्या चेंज करेंगे, लेफ्ट और राइट चेंज नहीं करेंगे, अप और डाउन। जैसे कि इसको समझते हैं एग्जांपल बेस पे, ध्यान रखिएगा। कोई लेटर मैंने दिया आपको, कोई लेटर दिया, कोई अक्षर दिया, जो मन कर रहा है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहां से कोई लेटर दिया, एल लिया मैंने, मैंने कहा इस एल का वाटर इमेज क्या होगा, तो मैंने कहा इस एल का नीचे ये हिस्सा कौन सा है, डाउन है, और ये हिस्सा क्या है उसका अप है, और ये हिस्सा क्या है उसका राइट है, और ये क्या है लेफ्ट। मैंने कहा लेफ्ट राइट चेंज नहीं होंगे, लेफ्ट राइट चेंज अगर होंगे तो ये चिन्ह कहां पहुंच जाएगा, उधर पहुंच जाएगा, इससे कोई चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसके कौन चेंज होंगे, डाउन और अप। तो जो ये वाला पार्ट था ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो रहेगा तो ये बिंदु इधर ही, लेकिन ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो अगर हम तुमसे पूछें कि एल का वाटर इमेज क्या है, तो योर आंसर इज, फिर समझिएगा, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमने W लिखा, W का वाटर इमेज क्या होगा, तो आप लोग कह सकते हैं भैया ये हो जाएगा। अगर हम तुमसे पूछते हैं U का वाटर इमेज क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। हम तुमसे पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, जो मन करा लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग X का वाटर इमेज, तो चेंज ही नहीं होगा। कोई समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, सारी चीजें बताएंगे, जो मन करे वो तो फिर लिख लो। वाई ऐसे होता है ना, इसका ऊपर चेंज करेंगे तो ये हिस्सा नीचे आएगा, तो ये कहानी कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी ना। जो मन कर रहा है अपना नाम लिख लो, चल जाएगा उससे भी, ठीक है। अब मान लिया मैंने नंबर पे आ गया, मैंने नंबर को ध्यान रखिए 4 लिखा, 4 है ये, ठीक है। इसका वाटर इमेज अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ठीक है। और कोई जम जो मन करा, 7 लिखा मैंने, 7 का वाटर इमेज क्या होगा, ऐसे बन जाएगा ना, देख लीजिएगा पहले आराम से। तो हमने क्या सीखा, दो ही रास्ते सीखे हैं कि हमारे यहां वाटर इमेज हम लोग क्या करेंगे, हमेशा अप डाउन का क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब चलो ठीक है, इस पे भी हाथों हाथ बात कर लेते हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका बहुत आराम से। चीजें जितनी बड़ी हैं उतनी छोड़ी जाएंगी आपको, और डर नहीं लगेगा कि हाँ इतने टॉपिक होने के बाद हम लोगों ने कैसे इनको कवर कर लिया। देखिएगा, अब जब मिरर इमेज आएगा, दर्पण प्रतिबिंब आएगा, तो उसकी भी चार साइडें होंगी। मान लेते हैं मैंने यहां से देखिएगा कोई नंबर लिखा है, यहां से जो मन कर रहा है लिख लीजिएगा, तो उसकी जब चार साइड होंगी तो एक कौन सी होगी, अप होगी, एक कौन सी होगी, डाउन, और उसके बाद ये क्या होगा, लेफ्ट, और ये क्या होगी, राइट। क्लियर? बस इसमें क्या चेंज हुआ था बेटा, बताएंगे आप लोग, अप और डाउन, और नो चेंज कौन सा हुआ था, लेफ्ट और राइट। तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, यहां लेफ्ट राइट चेंज होंगे और यहां अप डाउन नो चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा नो चेंज, और चेंज कौन से होंगे ध्यान रखिएगा, लेफ्ट और राइट। अब जैसे बात करते हैं कि कैसे होंगे, मैंने कोई नंबर लिखा L, तो L का ये क्या हिस्सा राइट है और ये क्या है लेफ्ट है, तो L कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा ना। लिखा होगा एम्बुलेंस में, लिखा होगा उल्टा होता है एम्बुलेंस, तो रिफ्लेक्सिव के कारण होता है। तो अब सोचिए, मैंने कोई नंबर लिखा आपको, अगर मैंने यहां M लिखा तो M का तो ये हिस्सा इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो चेंज कुछ होगा ही नहीं। लेकिन बट अगर मैंने कोई नंबर लिखा दोस्तों यहां से 3, तो 3 का अगर हम लोग लेफ्ट राइट चेंज करेंगे तो 3 कैसे बन जाएगा बेटा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है बताइएगा। तो हमने क्या सीखा कि ओनली एक टॉपिक करने के लिए 5 मिनट काफी होते, रीजनिंग के लिए टेंशन का विषय कुछ है ही नहीं, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या सीखा कि ओनली वाटर में हम लोग क्या चेंज करेंगे, अप और डाउन, लेफ्ट राइट को कोई प्रभाव नहीं डालेंगे।
और मिरर पे क्या चेंज करेंगे हम लोग, लेफ्ट और राइट अप डाउन पे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चनों की तरफ, ये उतार लिया, मैं दे रहा हूँ मिरर के एग्जाम्पल तो था ही, क्या थे जैसे मैंने नो लिखा, तो नो लिखेगा तो नो कैसे हो जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा ना उल्टा, ये हिस्सा इधर पहुंच जाएगा, ये हिस्सा इधर हो जाएगा, बस ये चीज। मान लेते हैं कोई मैंने नंबर लिखा, अभी बात करेंगे बहुत सारी, मैंने लिखा यहाँ से सेवन लिखा है। अब सेवन का देख लीजिएगा दोस्तों, इधर देखिएगा दोस्तों, अगर सेवन का मैं आपसे वाटर पूछ रहा हूँ और यहाँ से मिरर पूछ रहा हूँ, देखिएगा सेवन का वाटर पूछने पर अप डाउन चेंज होगा तो क्या बनेगा, यही बनेगा ना। और यदि हम लोग सेविन का ध्यान रखें मिरर चाहते हैं तो मिरर कैसा बनेगा, ये बनेगा ना। अब देख लो क्या किया मैंने, क्लियर है नहीं क्लियर है। अब सोचिएगा फिर अगर आप इसको निकाल लेंगे तो अगर मैं आपसे क्वेश्चनों की ट्राई करें कि कैसे कैसे किसको करना है, देखिएगा यहां लिखा है 1 2 3 4 5 6 जहां तक उसका मन करेगा। तो अगर मैंने वन ऐसे लिखा है तो वन को तो अगर मैं तुमसे यहां से इनकी दोनों की बात कर रहे हैं कि मिरर पे और वाटर पे, मिरर पे क्या चेंज होता है लेफ्ट और, तो अगर ये इधर लेफ्ट है तो कहां पहुंच जाएगा, राइट में पहुंच जाएगा। तो ये कहानी कैसे हो जाएगी, ये बनेगा ना, क्लियर है बोलिएगा। और यदि मैं इसका वाटर पूछना चाह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, तो वाटर कैसे होगा, जो ये पाला पार्ट है कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, मैंने कहा था अभी। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कहानी कैसे बन जाएगी, ऐसे ही बन जाएगी बोलिएगा, क्योंकि जो हिस्सा इधर था वो इधर ही रहा लेफ्ट में, राइट में नहीं चला गया, क्योंकि ये कहानी कहाँ होती है, मिरर में होती है, क्लियर है। अब सोचो अगर कोई भी नंबर ले लीजिएगा जहां से मन कर, अब टू की बात करेंगे तो टू की अगर हम लोग चेंज करें, टू पे अगर बात करें यहाँ से मिरर की और वाटर की, तो मिरर पे क्या होगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा, तो जो ये कहानी इधर है वो कहाँ पहुंच जाएगी, उधर जाएगी। तुमने देखा भी होगा अक्सर जब हम लोग सेल्फी लेते हैं तो फोटो इधर से लिया इधर आ जाता है, वो ट्राई करना कभी जाके आज ही, ऐसा होता है ना, गाल ये वाला है आ रहा वो वाला है यार, ऐसे ही होता है। तो यही है मिरर इमेज, और कोई इमेज थोड़ी है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ मिरर पे काम करेंगे तो जो पार्ट इधर था वो पार्ट इधर पहुंचेगा, तो ये वाला पार्ट ऐसे बन जाएगा ना, थोड़ा सा फाइव की तरह, जो इधर था वो इधर आ गया, जो इधर था वो इधर आ जाएगा, क्लियर है। अब सोचो इसका हमें वाटर चाहिए, तो वाटर जब चाहिए तो ये कहानी कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, क्लियर है। अब करोगे नहीं करोगे, अच्छा एक निकाल के बताइएगा तब हम क्लास को ऑफ करेंगे, पक्का बताओगे ना, ठीक है देख लेते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। ट्राई मत किया करो, करा करो, अपने आप से प्रण कर लिया करो कि मुझे क्वेश्चन करना है, चाहे दुनिया की सारी शक्ति एक तरफ हो मैं अकेला एक तरफ हूँ। इसका कैट लिखा है, कैट के दोनों ही क्वेश्चन निकालिएगा, मिरर भी और वाटर, और मुझे लगता है कि आधे लोग गलत करेंगे, मैं बता रहा हूं पहले से ही, ध्यान रखें कि आधे लोग क्या करेंगे इसमें गलत करेंगे। देख लेते हैं, एक मिनट आ रहे हैं बस। बेटा आपका एक गलत है एक सही है, और कोई दिखाए, कोई एक गलत है बेटा एक सही है, बेटा एक गलत है एक सही है, आप भी वन राइट वन रॉन्ग, एक गलत एक सही है, ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इज राइट, एक गलत एक सही है, एक राइट है एक रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा बताओ, आपकी सेम कहानी है, एक राइट एक रॉन्ग है, चुनौती यही तो है कि चीज की प्रैक्टिस कैसे किया जाए। बेटा एक राइट है एक रॉन्ग है, ऑल सिट इज राइट, इज राइट, इज राइट, और कोई दिखा रहा है अपना, एक गलत एक सही बेटा, बेटा अब देखिए मैंने क्या कहा था। हाँ जब आप सुन लीजिएगा, अब समझ में आ जाएगा आपको, अब समझ में आ जाएगा जब आपने समझेंगे चीजों को। एक गलत एक सही है बेटा, देखिए कैसे इसे करेंगे जान लीजिएगा, अब समझ लीजिएगा। मिरर में ठीक तुम दोनों ही चेंज कर दिए हो, एक गलत है एक सही है। हाँ अब देखो, जब मिरर होगा तो उसका ये तो है नहीं, जब तुम सेल्फी खींचोगे ध्यान रखिएगा उसका कोई मैटर ये तो नहीं बनता कि हाँ गाल चेंज होगा तो कान भी चेंज होगा ना, तो पूरा ही पार्ट चेंज होता है। तो जब हम लोग मिरर निकालेंगे ध्यान रखिए इसका,
तो मिरर में ये टी कहां जाएगा पहले, उसके बाद कितना ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा सी आएगा, पूरा ही चेंज होगा, सिक्वेंस पूरा चेंज हो जाएगा। इसलिए अब टी का अगर हम लोग लेफ्ट राइट चेंज करेंगे तो टी तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो टी ही बनेगा और ए का क्या बनेगा, ए ही बनेगा। लेकिन मिरर में यहां से सी क्या हो जाएगा, ऐसे करके जाएगा, तो सी क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? और यदि हम लोग बाटर की बात करेंगे तो बाटर में तो अप डाउन चेंज होगा ना, और बाटर में अगर अप डाउन चेंज होगा दोस्तों बेटा, तो यहां सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, सी का सी रहेगा और ए कैसे हो जाएगा बेटा, तो ए कैसे हो जाएगा ऐसा, और टीवी कैसा हो जाएगा, इट इज आंसर राइट है। हमने कुछ सीखा, थोड़ी सी कमी थी आपके पास, आप ये तो जानिए चेंज क्या करना है आपको, अप डाउन या लेफ्ट राइट, पर थोड़ी सी कमी थी कि उसको कैसे चेंज करना है। हाँ बेटा बोलो। तो यही थोड़ी सी आपके अंदर रह गया था कि ये क्या करना था, अब तुम आराम से कर लोगे मुझे पता है। अगर मैं हम तुमसे पूछे कि 2, 3, 4, 5, 6 का मिरर इमेज क्या है, ध्यान रखिएगा, तो आप लोग 6 को पहले लिखोगे और फिर 5 को, फिर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चलते हैं फिर कर दीजिएगा भैया, है ना। और सब लोग पढ़िएगा ढंग से, और जितना चीजें हैं सिलेबस को एक बार लिख लीजिएगा चार्ट पे, घर पे जाके पूरा लिखा लीजिएगा कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, जो नहीं आता उसको पूछिएगा।